केंद्र सरकार द्वारा नोटरी एक्ट में अमेंडमेंट के विरोध में मंगलवार को महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में एक दिन नोटरी कर काम बंद आंदोलन किया गया, जिसके तहत जिला न्यायालय नागपुर के सामने भी इस विरोध में आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरीज एसोसिएशन के विदर्भ अध्यक्ष अश्वाक शेख ने अधिक जानकारी साझा की। मंगलवार को महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में एक दिन नोटरी कर काम बंद आंदोलन किया गया, जिसके तहत जिला न्यायालय नागपुर के सामने भी इस विरोध में आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से एक औपचारिक कार्ड देने, उन्हें पेंशन देने समेत अन्य मांगे की। वही उन्होंने नोटरी एक्ट में अमेंडमेंट को अन्यायपूर्ण कहा। मैं सबसे पहले अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं। महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन विदर्भ के तरफ से मैं अध्यक्ष हूँ और वैसे ही एंटायर महाराष्ट्र एंड गोवा का प्रवक्ता हूँ। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने नोटियों के लिए एक अन्यायपूर्ण सर्कुलर भेजा है। उस सर्कुलर में नोटियों के साथ में अन्याय ये हो रहा है कि अभी तक ये होता था कि एक बार जो नोटरी बन गए वो नोटरी लाइफ लॉन्ग रहता था, हमेशा के लिए रहता था। लेकिन पहली बार ऐसा होता हो रहा है कि उस सर्कुलर में ऐसा दिया है कि एक बार अगर नोटरी इंसान बनता है तो उसके वो 5 साल तो मिलते हैं, उसके बाद में 5-5 साल के सिर्फ 2 टर्म दिए जा रहे हैं। इन 2 टर्म में मतलब 5 साल पहले और दो साल के ये 2 टर्म 5-5 साल के, ऐसे टोटल 15 साल। तो हम लोगों ने आज ये एक दिन का पूरा महाराष्ट्र बंद का आंदोलन किया है। ये आंदोलन महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष सिकंदर लली साहब, वैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष यशवंतराव खराड़े साहब, वैसे ही सचिव हमारे प्रवीण नलावड़े साहब, इन लोगों के नेतृत्व में, इन लोगों के मार्गदर्शन में आज हमने ये एक दिन बंद का आंदोलन किया है। बता दें कि सरकार ने नोटरी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक ही इस कार्य में रहने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।